नमस्कार, मैं अजीत चक डेलीवर्ड टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल इवांका ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का नाम मीडिया में काफ़ी उछल रहा है अमेरिका में। इवांका ट्रंप का हस्तक्षेप व्हाइट हाउस के कार्यों में बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस में उनने अपना एक ऑफिस भी सुना बना लिया है, जबकि उनका कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन या टाइटल नहीं है। लोग कहते हैं कि इवांका ट्रंप, जो ट्रंप की पहली बीवी इवाना ट्रंप की पुत्री, उनकी एक फैशन लाइन भी है, क्लोथिंग लाइन भी है, और उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी बिक्री बढ़ गई जब से वो प्रेसिडेंट की बेटी बनी। अब हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी तरक्की करे, मगर कहाँ तक ये सही है कि एक प्रेसिडेंट देश का अपनी बेटी को व्हाइट हाउस में जगह दे। ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि अगर अपने राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अपने बच्चों को बिजनेस करने के लिए बैठने दें और उसको प्रमोट करें वहाँ से बिजनेस को, ये एक किस्म का भ्रष्टाचार, और ये अमेरिका की मीडिया में आजकल काफ़ी तेज़ी से उछल रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इवांका ट्रंप, जो अपने दम पे सारा काम कर सकती हैं, उनको अपने पिता की और पिता के घर की सरकारी मकान की ज़रूरत पड़ रही है अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए।